हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मशरूम मसाला की रेसिपी। तो मैंने मशरूम इस तरह से कट किया है और प्याज जो है ग्राइंड किया है। पहले हम ऑयल में डाल देंगे ज़ीरा और इसी के साथ डाल देंगे प्याज। इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। हमारा जो प्याज है वो हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद डालेंगे हम अपने स्पाइसेस जैसे हल्दी, देखी मिर्च और साथ में नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे। उनको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए और हमारी ग्रेवी भी बन जाए। हमारी ग्रेवी जो तैयार हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे मशरूम और साथ में प्याज जो हमने मोटे मोटे से चॉप करे थे। अब इसमें लगा देंगे ढक्कन। हमारे जो सब्ज़ी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे अपनी ग्रेवी बनाने के लिए और इसको कर देंगे मिक्स। उसके बाद इसे ढक देंगे। 5 से 10 मिनट में हमारी जो सब्ज़ी है वो जाएगी तैयार। देखिए हमने इसको अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हो इसमें ग्रेवी जो है कितनी अच्छी सी आई हुई है। होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और हम इसको करेंगे हरा धनिया के साथ गार्निश। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।